राजस्थान में पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है और 17 अप्रैल की शाम से चुनावी सभाएं और रैलियों पर रोक लग जाएगी। ऐसे में प्रचार के लिए महज 3 दिन शेष बचे हैं। इन 3 दिनों में बीजेपी अपने प्रत्याशियों के समर्थन में पूरी ताकत से प्रचार करना चाहती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में दौरे कर चुके हैं। 15 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अमित शाह फिर से राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं। वे जयपुर में शाम 6 बजे रोड शो निकालेंगे। इससे पहले 25 जनवरी को नरेंद्र मोदी भी जयपुर में रोड शो कर चुके हैं। पीएम मोदी ने त्रिपोलिया गेट से लेकर बड़ी चौपड़ होते हुए सांगानेरी गेट तक रोड शो निकाला था। आपको बता दें, इस बार मंजू शर्मा जयपुर से भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी हैं और कांग्रेस की ओर से प्रताप सिंह खाचरेवास प्रत्याशी हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार बीजेपी जीतती है या फिर कांग्रेस। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।